हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है RN45 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 200 के 8% का 300 के 5% से क्या अनुपात है। 200 के 8% का 300 के 5% से क्या अनुपात है। अब देखिए, इसे आप लोग फास्ट कैसे करेंगे। अगर परसेंटेज को काट दें तो यहाँ से दो जीरो कट जाएगा, यहाँ से परसेंटेज को काट दें तो यहाँ से दो जीरो कट जाएगा, तो क्या बनेगा? 2 का 8 मतलब कि 2 गुणे 8, फिर 3 के 5 मतलब 3 गुणे 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 16/15। तो आपका रेशियो क्या बनेगा? 16:15, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, 16:15, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया है तो ऐसे देखिए, 200 का 8% बोला गया है, ठीक है। फिर बोला गया है 300 का 5%, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 2, ऊपर तो आ जाएगा आपका 16 और नीचे आपका 3, 3 5 15, ठीक है। यानी 16/15, यानी अनुपात क्या बनेगा? 16:15, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका 36:121 का वर्गमूलानुपात। अब वर्गमूलानुपात क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया है 36:121, इसका वर्गमूलानुपात। देखिए कैसे निकालते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब यहाँ पे जो 36 लिखा गया है इसका वर्गमूल कितना है? इसका वर्गमूल तो आएगा 6, 121 इसका वर्गमूल कितना आएगा? 11। तो अनुपात क्या बनेगा? 6:11, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 6:11, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC GD ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपका 2:3, इसका निकालना है वर्गानुपात, ठीक है। देखिए ध्यान से, 2:3 दिया है। अब पूछा क्या है? वर्गानुपात मतलब कि इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 9, क्या बनेगा? 4:9, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन देखिए, 27:8 का घनमूलानुपात। अब पूछा है घनमूलानुपात, 27 का घनमूल 3, 2 का घनमूल 8 का घनमूल 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा? 3:2, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3:2। क्वेश्चन नंबर 5, 1:3 का घनानुपात। अब पूछा है घनानुपात, 1:3 घन अनुपात मतलब कि इसका घन निकालेंगे एक ही आएगा, इसका घन निकालेंगे 3 * 9 * 27, तो 1:27 बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 5:7, तो आपको बताना है A:B:C का मान। देखिए कैसे हल करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला रेशियो क्या दिया है? 2:3, दूसरा क्या दिया है? 5:7, ठीक है। इस प्रकार लिख लेना है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 10, तो पहला 10 आ जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 * 15, ठीक है। फिर इसका इसमें 3 * 7 = 21, तो आपका रेशियो क्या बनेगा? 10:15:21। एक बार फिर से देखिए, दिया है 2:3, 5:7, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, फिर इसका इसमें 15, फिर 3 * 7 में, तो यही आपका रेशियो बनेगा A:B:C, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, दिया है A:B 2:3, ठीक है। दूसरा दिया है B:C दिया है 5:7। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, दोनों में B दिया है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, तो B को बराबर कर लीजिए, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का गुणा है तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा है तो इधर 3 का गुणा करेंगे, क्या बनेगा यार? 10 * 15, यहाँ पे 15 = 21। अब देखिए B दोनों जगह बराबर है, तो अब आपका रेशियो क्या बनेगा? 10:15:21, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, 10:15:21, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सात देखिए, यदि A:B बराबर 2:3, B:C 5:6 दिया है, C:D का मान 7:8, तो आपको बताना है A:B:C:D इसका मान क्या आएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको दिया क्या गया है? A:B, ठीक है।
ए रेशियो बी का मान दिया गया है आपको 2:3, ए दिया गया है, बी रेशियो सी दिया गया है, बी रेशियो सी 5:6 दिया गया है, और आपको लास्ट में दिया गया है सी रेशियो डी 7:8, सी रेशियो डी 7:8। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2:3 है, 5:6, 7:8, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। तो आप लोग ध्यान दीजिए, और इसमें पहले और दूसरे वाले में ए रेशियो बी रेशियो सी में दोनों में बी कॉमन है, तो बी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो आप दोनों को बराबर करना है। तो क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 5 का गुणा करेंगे, तो 5 का पूरा गुणा करेंगे, सबसे पहले 5 का 2 में गुणा करेंगे, 10 आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा ए रेशियो बी। यहाँ पर गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये बनेगा बी रेशियो सी, ठीक है। अब देखिए, अब आपका मिलेगा क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, क्योंकि बी का मान 15 आ गया, तो 10, 15, 18, और आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, सी रेशियो डी 7:8, ये क्या है, सी डी। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सी का मान 18 है, यहाँ पे 7 है, आप क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, इसमें 7 का गुणा कर देंगे और इस पूरे में 18 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 7 का, सब में गुणा करना है, 7 × 70, 15 × 7 = 105, 18 में करेंगे 18 × 7 = 126, ठीक है, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 18 का, 18 × 7 = 126 बनेगा ये, 18 × 8 = 144, ठीक है, ये बनेगा सी रेशियो डी, और यहाँ पर आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो आप देखिए सी सी सेम आ गया आपका, तो आप लोग कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या आएगा, 70, 105, सी तो सेम आ गया 126 और डी का मान क्या आया है 144, ठीक है, तो ये आपका आएगा आंसर 70 × 105 × 126 × 144। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 70 × 105 × 126 × 144। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले जो रेशियो दिया गया है उसे लिख लीजिए। अब कैसे लिखेंगे, पहला दिया गया है 2:3, इसे लिख लीजिए, और दूसरा दिया गया था 5:6, तो 5:6 आप देखिए कैसे लिखेंगे, 5 यहाँ पर लिखेंगे, 6 यहाँ पर लिखेंगे, 5:6। तीसरा दिया गया है 7:8, तो तीसरा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तीन मान आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, ए रेशियो बी बी रेशियो सी सी रेशियो डी, तीनों इस प्रकार लिख लेंगे। अब आप लोगों को निकालना है रेशियो, कैसे निकालेंगे, देखिए आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 2 × 5 = 10, 7 = 70, तो पहला तो निकल जाएगा। अब बी के लिए देखिए कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बी के लिए 3 × 5 = 5, 7 = 5, 3 × 5 = 15, 7 = 105, ये भी निकल जाएगा आपका। अब सी देखिए कैसे निकलेगा, सी के लिए आपको यहाँ पे ठीक है, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 7 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 126, और लास्ट वाला आपका यहाँ पे 3 × 6 = 18, 8 = 144, ठीक है, तो ये है आपका। इस प्रकार आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर से देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जो रेशियो दिया गया है लिख लीजिए, 2:3, ठीक है, 5:6, ठीक है, तीसरा दिया गया था 7:8। सबसे पहले इन तीनों का गुणा कर लेंगे, 2 × 5 = 10, 7 = 70, एक रेशियो तो आ जाएगा आपका। सेकेंड नंबर पर कैसे करेंगे, इसका इसमें फिर इसका इसमें, 3 × 5 = 15, 7 = 105, फिर आपको देखिए ध्यान से देखिए कैसे करना है, इसका इसमें इसका इसमें, 3 × 6 = 18, 7 = 126, और लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे 3 × 6 = 18, 8 = 144। तो इस प्रकार आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो ये है इसकी ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, इसका मान दिया है 17:13:11, और आपको यहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 88, तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये आप लोग छोड़ दीजिए, ये आप लोगों को फंसाने के लिए दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। अब देखिए कैसे हल करेंगे, आपको चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी, सबसे पहले ए फिर बी फिर सी, ए चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले वाले में और तीसरे वाले में दोनों में ए है, ठीक है, पहले वाले में तीसरे वाले में दोनों में ए लिखा गया है, तो पहला और तीसरा जोड़ दीजिए, ठीक है, पहला और तीसरा जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 17 + 11 = 28 आएगा, और 28 में से आपको ये वाला घटा देना है, ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दिया गया, तो पहले और तीसरे वाले में ए है, ठीक है, आपको दिया गया 17, 13, 11, ठीक है, तो पहला और तीसरा जोड़ के दूसरा वाला घटा देंगे, 17, 11, 28,
28 माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा 15, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। उसी प्रकार बी के लिए देखेंगे, बी देखिए आपका पहले और दूसरे में है, ठीक है, पहले और दूसरे में है, तो पहला और दूसरा जोड़ दीजिए, 17 13 30, 30 में से 11 घटाएंगे तो आपको क्या आएगा 19, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। उसी प्रकार सी भी निकालेंगे, सी देखिए कहाँ कहाँ पे है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, तो दूसरा और तीसरा जोड़ दीजिए, 13 11 24, अब पहला वाला घटाना है, 24 माइनस 17, 24 माइनस 17 करेंगे तो आपको क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15:19:7, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15:19:7, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है, दिया गया है आपको रेशियो में, इसका मान दिया गया 17:13:11, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, तो सबसे पहले ए निकालेंगे, ए देखिए पहले में है तीसरे में है, तो पहला और तीसरा जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो आपका आएगा 28, 28 में से ये दूसरा वाला घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 15, ठीक है, तो सेम प्रोसेस बी के लिए करेंगे। अब देखिए बी किस में किस में है, बी आपका इसमें है, इसमें है, तो यानी पहला और दूसरा जोड़ेंगे, पहला दूसरा जोड़ेंगे तो 17:13:30, 30 में से आप 11 घटाना है, 30 में से 11 घटाएंगे तो आपका आएगा 19। सी के लिए भी सेम प्रोसेस, सी आपका दूसरे और तीसरे में है, तो दूसरा तीसरा जोड़ेंगे, 13:11:30, 30 में से 13:11:24 आएगा, 24 में से 17 घटा देंगे 7 आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार आपका बन जाएगा 15:19:7, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, यदि 5a = 8b = 4c, ठीक है, तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, देखिए कैसे करेंगे, ये काफ़ी ईजी है, यहाँ पे क्या दिया गया है 5a = 8b = 4c, तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 5, 8, 4, क्या क्या दिया गया है 5, 8, 4, इनका ले लीजिए एलसीएम, इनका क्या लेना है एलसीएम, एलसीएम देंगे तो इस एलसीएम आएगा आपका 40, अब कुछ नहीं करना है, इस 40 से सभी में भाग कर दीजिए, 40 से सभी में भाग कर दीजिए, काट दीजिए 8 आएगा, यहाँ पे काटेंगे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो आपका रेशियो भी यही बनेगा 8:5:10, ठीक है, रेशियो क्या बनेगा 8:5:10, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे, यदि 3a = 2b = 4c, तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, ठीक है, 3a = 2b = 4c, ठीक है, इसी को उसी प्रकार हल करेंगे, 3, 2, 4, 3, 2, 4, इनका क्या लेना है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका 12 आएगा, 12 से सभी में भाग कर दीजिए, काट दीजिए 4, 6, 3, तो रेशियो क्या बनेगा 4:6:3, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4:6:3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है, स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9:7 है तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रेशियो में दिया गया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 9:7, तो इसको आप लोगों को रेशियो में ही हल कर लेना है, आप लोगों को एक्स वाई जेड मानने की ज़रूरत नहीं है, देखिए कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे रेशियो में दिया गया है लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात है 9:7, अब इसमें दिया गया है कुल संख्या, ठीक है, लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या क्या है 256, अब यहाँ पे तो रेशियो में दिया गया है, रेशियो में अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 + 7 = 16, यानी हम कह सकते हैं कि 16 का मान 256 के बराबर है, काट देंगे तो एक का मान क्या आएगा 16 ही आएगा, ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का रेशियो कितना दिया गया है 7, यानी आपको 7 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एक का मान आपका आया है 16, तो 7 का मान क्या आ जाएगा 16 × 7, तो आपका क्या आ जाएगा 112, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 112, आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है 112, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ में आए फिर से देखिए, यहाँ पे रेशियो में दिया गया है 9:7 और कुल संख्या दी गई है लड़कों एवं लड़कियों की 256, तो यहाँ पे रेशियो में दिया गया है बॉय गर्ल्स का, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 16 आएगा, अब इस 16 का मान 256 के बराबर है, काट देंगे यहाँ पे एक का मान आएगा 16, तो आप लोग निकालना है लड़कियों की संख्या यानी 7 का मान, तो 7 का मान कैसे निकालेंगे 7 × 16 = 112, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या 112 आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। एक गांव की 2000 आबादी में से 3/4 आबादी साक्षर है जबकि शेष निरक्षर है, गांव की साक्षरता और निरक्षरता में क्या अनुपात है? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसको ध्यान में नहीं देना है। आप लोगों को यहाँ क्या दिया गया है, 3/4 आबादी साक्षर है, 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, एक गांव की 2000 आबादी में से 3/4 आबादी साक्षर है। अब 3/4, 3/4 का मतलब क्या है, 4 में 3 जो है साक्षर है। ठीक है, जब 4 में 3 साक्षर हैं तो बचेगा कितना, एक, एक हो जाएगा निरक्षर। ठीक है, 3/4 आबादी साक्षर है मतलब कि टोटल 4 है तो 4 में 3 साक्षर हैं तो बचेगा कितना, एक, एक निरक्षर हो जाएगा। तो रेशियो आपका कितना बनेगा, 3:1। बस इसका आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। इसको आप लोगों को हल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक धनराशि ए बी सी डी में 7:6:3:5 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है, बी को सी से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा कितना है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 लोग हैं ए बी सी डी। ठीक है, इनका हिस्सा रेशियो में दिया गया है 7:6:3:5। अब देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है यहाँ पे देखिए, बी को सी से 270 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि बी ज़्यादा है सी कम है तो कितना आएगा, 270। बी को जितना मिला है और सी को जितना मिला है, इन दोनों में अंतर जो है 270 का है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बी रेशियो सी, यहाँ पे क्या है, 6:3 है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, यानी 3 = 270, 3 का मान 270 के बराबर काट देंगे, 1 का मान आपका आएगा 90। आपको पूछा गया है डी का हिस्सा, जब 1 का मान 90 है तो डी का मान 5 है यहाँ पे, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 90 × 5, तो कितना आ जाएगा आपका, 90 × 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 450, यानी डी का हिस्सा कितना है, 450 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 450, आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 450। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है, 2:5 दिया है, अब इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात जो है 5:6 हो जाए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए कि आप लोगों को लाना क्या है, 5:6 के अनुपात में लाना है। 5:6 मतलब कि ऊपर जो होना चाहिए 5 का मल्टीपल होगा, यही होगा। अब यहाँ पे 2 है पहला पद, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 में 5 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, तो 5 का मल्टीपल तो बनेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2 में ये पहला पद 8 जोड़ेंगे तो 10 हो सकता है यहाँ पे 5 का मल्टीपल, और यहाँ पे देखिए 2, 3, 5 ये भी हो सकता है, 2, 2, 4 ये तो नहीं होगा, यानी पहला, दूसरा या तीसरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, 2:5, अब इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया 78, अगर इसमें 78 जोड़ते हैं, इसमें भी 78 जोड़ेंगे, यहाँ पे बनेगा 80, यहाँ पे बनेगा 83। ठीक है, 80 और 83 बनेगा, तो देखिए इसे काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो 5:6 के अनुपात में नहीं बनेगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है 13, अब इसमें 13 जोड़ दीजिए, इसमें 13 जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पे बनेगा 15, यहाँ पे 13 × 5 = 18, सही है, 18 बनेगा, काट देंगे, 3 से काट देंगे तो ये आपका बन जाएगा 5:6। ठीक है, क्या बन जाएगा, 5:6, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 13, ऑप्शन सभी आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखिए, 300 परीक्षार्थी की एक परीक्षा हाल में लड़के एवं लड़कियों में 7:8 का अनुपात पाया गया, हाल में लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल परीक्षार्थी कितने हैं, 300। ठीक है, अब यहाँ पे बॉय और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 7:8, आपको पूछा गया है लड़कों की संख्या। ठीक है, बॉय और गर्ल्स 7:8 में है, अगर बॉय और गर्ल्स रेशियो में है, दोनों को जोड़ दें कितना आएगा, 15। ठीक है, बॉय प्लस गर्ल्स यानी टोटल छात्र निकल जाएंगे, यानी 15 का मान 300 के बराबर। ठीक है, 15 = 300 काट देंगे, 1 का मान आपका आएगा 20। ठीक है, 1 का मान जब 20 आ जाएगा, लड़कों की संख्या निकालनी है यानी 7 का मान,
एक का मान 20 है तो 7 का 7 गुणे 20, ठीक है, 7 गुणे 20 यानी कितना आ जाएगा 140। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 140। आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।